الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ناظرين اكرام द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का ये एपिसोड नंबर 10 है। इसमें हम देखेंगे सेकेंडरी शेयरर्स के शेयर्स की समरी, ताकि इसके बाद वाले वीडियोस में जो प्रॉब्लम्स और जो सॉल्यूशंस मौजूद हैं वो आप आसानी से समझ पाएं। सेकेंडरी शेयरर्स टोटल 7 हैं, उनका स्टेटस देखते हुए हम उन्हें समराइज करेंगे। 7 सेकेंडरी शेयरर्स में मौजूद हैं ग्रैंड डॉटर, फुल सिस्टर, कंसर्न जॉइंट सिस्टर यानी बाप शरीक बहन, यूट्रिन ब्रदर एंड यूट्रिन सिस्टर यानी माँ शरीक भाई और माँ शरीक बहन। आखिर में हम देखेंगे ग्रैंड फादर यानी दादा और ग्रैंड मदर यानी दादी और नानी, दोनों हो सकते हैं। मुख्तसरन हम समराइज करेंगे प्राइमरी शेयरर्स और सेकेंडरी शेयरर्स को। प्राइमरी शेयरर्स जुमला 5 हैं, जिनमें हैं फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ एंड डॉटर। और सेकेंडरी शेयरर्स में हैं 7, जिनमें हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडडॉटर, कंसर्न जॉइंट सिस्टर, फुल सिस्टर, यूट्रिन सिस्टर एंड यूट्रिन ब्रदर। सबसे पहले फोकस करते हैं ग्रैंडडॉटर के स्टेटस पर। ग्रैंडडॉटर शेयरर भी हो सकती है, रेसिडियरी भी हो सकती है और हाइड भी हो सकती है, यानी फैमिली सिनेरियो से वो एक्सक्लूड भी हो सकती है। यहाँ देखिए उसकी समरी। पहला केस ग्रैंडडॉटर का, व्हेन देयर इज ओनली वन डॉटर एंड नो सन, यानी मरने वाले का कोई बेटा पोता नहीं है लेकिन एक बेटी है, तो ऐसे सिचुएशन में ग्रैंड डॉटर शेयरर होगी और 1/6 हिस्सा पाएगी। केस 2 देखें, व्हेन देयर आर ग्रैंडसन और सन्स विद ग्रैंड डॉटर और डॉटर्स, यानी पोती पोतियां पोते पोतों के साथ अगर हूं तो उनकी टीम रेसिडियरी बनती है और बाकी माल यानी रेसिड्यू पाती है 1:2 रेशियो में, जिनमें ग्रैंड डॉटर को ग्रैंड सन से हाफ मिलेगा। थर्ड केस देखें, इफ द डिसीज लीव्स अ सन और एंड टू और मोर डॉटर्स, यानी मरने वाले ने कम से कम एक बेटा छोड़ा हो या दो से ज्यादा बेटियां छोड़ी हो, तो ऐसे सिचुएशन में ग्रैंड डॉटर एक्सक्लूड हो जाएगी, हाइड हो जाएगी और कोई हिस्सा नहीं पाएगी। अब देखते हैं फुल सिस्टर का स्टेटस, यानी हकीकी बहन, जिसे हम सगी बहन भी कहते हैं। फुल सिस्टर शेयरर भी हो सकती है, रेसिडियरी भी हो सकती है अलॉन्ग विद मेल एग्नेट्स यानी अपने भाइयों के साथ, ऐसे वक्त इसकी टीम असबा बगैर ही कहलाएगी। थर्ड केस में वो रेसिडियरी हो सकती है विदाउट मेल एग्नेट्स, ऐसे वक्त उसकी टीम असबा मा गैर ही कहलाएगी। और एक फोर्थ केस है कि वो एक्सक्लूड हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, जिसे हम महजूब कहते हैं। इसकी समरी देखें फुल सिस्टर की। अगर फुल सिस्टर सिर्फ एक है, यानी मरने वाले की कोई औलाद वगैरह नहीं है, सिर्फ एक सिस्टर है, तो ऐसे केस में वो शेयरर होगी और हाफ हिस्सा मीरास का पाएगी। और इफ सिस्टर्स आर मोर देन वन, अगर सिस्टर्स की तादाद एक से ज्यादा है तो वो शेयरर्स की टीम बनेगी और 2/3 हिस्सा मीरास का पाएंगी और आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। थर्ड केस में है ब्रदर्स आर प्रेजेंट अलोंग विद सिस्टर्स, यानी मरहूम के औलाद तो नहीं लेकिन भाई बहन वगैरह मौजूद हैं, तो वो आपस में रेसिडियरी टीम बनाते हैं और मीरास को शेयरर्स में तकसीम करने के बाद रेसिड्यू इस टीम को मिलता है 2:1 रेशियो में, वापस में तकसीम होगा, यानी भाई का हिस्सा बहन का दोगुना। फोर्थ केस देखें, सिस्टर और सिस्टर्स आर प्रेजेंट अलोंग विद अ डॉटर एंड अ ग्रैंड डॉटर, यानी एक बहन या एक से ज्यादा बहनें मौजूद हैं लेकिन मरने वाले की एक बेटी और कम से कम एक ग्रैंड डॉटर भी है यानी पोती। ऐसी सिचुएशन में वो एक बहन या बहनें रेसिडियरी टीम फॉर्म करती हैं और रेसिड्यू पाती हैं। फिफ्थ केस देखें, अगर मरने वाले को कोई बेटा हो या पोता हो या मरने वाले का बाप दादा वगैरह जिंदा हो, तब सगी बहन एक्सक्लूड हो जाएगी और उसको मीरास में कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कंसर्न जॉइंट सिस्टर की हैसियत, यानी अलाती बहन, जिसको हम बाप शरीक बहन भी कहते हैं। बाप शरीक बहन के भी कई केसेस हो सकते हैं, शेयरर हो सकती है, रेसिडियरी हो सकती है अलॉन्ग विद मेल एग्नेट्स यानी अपने भाइयों के साथ, ऐसे सिचुएशन में उसकी टीम को असबा बगैर ही कहेंगे। वो रेसिडियरी हो सकती है विदाउट मेल एग्नेट्स यानी अपने भाइयों के बगैर, ऐसी सिचुएशन में उसकी टीम को असबा मा गैर ही कहेंगे। और लास्ट केस में वो एक्सक्लूड हो सकती है, जिसको हम महजूब कहते हैं। देखें कंसर्न जॉइंट सिस्टर यानी बाप शरीक बहन के स्टेटस की समरी। इफ कंसर्न जॉइंट सिस्टर इज वन, यानी मरहूम की कोई औलाद ही सरे से नहीं है, नहीं सगे भाई बहन है, एक बाप शरीक बहन है, तो वो शेयरर की हैसियत से हाफ हिस्सा पाएगी। अगर बाप शरीक बहनें एक से ज्यादा हों तो वो टीम बनाएगी शेयरर्स की और मीरास का 2/3 हिस्सा आपस में इक्वली डिवाइड करेगी। इफ देयर इज वन फुल सिस्टर अलोंग विद अ कंसर्न जॉइंट सिस्टर, यानी अगर मरने वाले की एक सगी बहन के साथ बाप शरीक बहन या बहनें हों तो वो शेयरर होगी
और 1/6 हिस्सा पाएगी। फोर्थ केस देखें, इफ देयर आर कंसनजॉइंट ब्रदर और ब्रदर्स अलोंग विद द कंसनजॉइंट सिस्टर्स, यानी बाप शरीक भाई भी हैं, बाप शरीक बहनें भी हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो रेसिडियरी टीम बनाएंगे और 2:1 रेशियो में हिस्सा पाएंगे, यानी बाप शरीक भाई का हक बाप शरीक बहन का दोगुना होगा। फिफ्थ केस देखें, इफ शी इज प्रेजेंट विद अ डॉटर, यानी बाप शरीक बहन की मौजूदगी मरने वाले की एक बेटी की मौजूदगी के साथ है, या कम से कम एक पोती मरने वाले की मौजूद है, तब वो रेसिडियरी कहलाएगी और मीरास का बाकी माल पाएगी। सिक्स्थ केस देखें, इफ देयर इज अ सन, ग्रैंडसन, फादर और ग्रैंडफादर, यानी अगर मरने वाले का कम से कम एक बेटा एक पोता या बाप दादा मौजूद हो, या अगर मरने वाले की कम से कम दो हकीकी बहनें हों, या एक हकीकी भाई या एक हकीकी बहन हो, तो ये तमाम केसेस में बाप शरीक बहन एक्सक्लूड हो जाएगी और मीरास का कोई हिस्सा नहीं पाएगी। अब देखते हैं अखियाफी भाई बहन की हैसियत, यानी माँ शरीक भाई बहन की हैसियत, जिसको हम यूट्रिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहते हैं। याद रखें, यूट्रिन ब्रदर पर जो उसूल लागू होते हैं वही उसूल यूट्रिन सिस्टर पर भी लागू होते हैं, इसलिए हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है। ये यूट्रिन ब्रदर एंड सिस्टर शेयरर्स भी हो सकते हैं या एक्सक्लूड भी कर दिए जा सकते हैं। देखिए यूट्रिन ब्रदर एंड सिस्टर की समरी, इफ यूट्रिन ब्रदर और सिस्टर इज वन, यानी अगर एक ही माँ शरीक भाई या एक ही माँ शरीक बहन हो तो उसकी हैसियत होगी शेयरर की और वो 1/6 हिस्सा मीरास का पाएगी या पाएगा। इफ देर आर मोर देन वन यूट्रिन सिस्टर और सिस्टर्स और यूट्रिन ब्रदर और ब्रदर्स, यानी माँ शरीक बहन एक से ज्यादा हो या माँ शरीक भाई एक से ज्यादा हो, या वो टीम बना रहे हैं आपस में जिनमें दो या दो से ज्यादा हो, तो वो टीम शेयरर कहलाएगी और मीरास का टोटल 1/3 हिस्सा पाएगी। यानी वो टीम में दो हो, तीन हो, चार हो, या 6-7 भाई बहन भी क्यों ना हो, वो टीम को मीरास का टोटल 1/3 हिस्सा दिया जाएगा और ये आपस में 1:1 रेशियो में डिवाइड होगा, यानी माँ शरीक भाई को जितना हिस्सा मिलेगा माँ शरीक बहन को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा। केस 3 देखें, इफ देयर इज अ सन और सन्स ग्रैंडसन और ग्रैंडसन एंड सो ऑन, यानी अगर मरने वाले का कम से कम एक बेटा हो या कम से कम एक पोता हो तो माँ शरीक भाई बहन एक्सक्लूड हो जाएंगे, और अगर बेटी या बेटियां हो या पोतियां पोतियां हो तब भी माँ शरीक भाई बहन एक्सक्लूड हो जाएंगे, या अगर मरने वाले का बाप हो या दादा परदादा वगैरह हो तब भी माँ शरीक भाई बहन एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब देखें ग्रैंडफादर का स्टेटस, यानी दादा की हैसियत। अंडरस्टूड है यहाँ पर ये बात कि ग्रैंडफादर से मुराद पैटर्नल ग्रैंडफादर ही हैं। पैटर्नल ग्रैंडफादर का स्टेटस शेयरर का भी हो सकता है, रेसिडियरी का भी हो सकता है, या एट अ टाइम एक ही फैमिली सिनारियो में वो शेयरर और रेसिडियरी दोनों भी हो सकते हैं। याद रखें ग्रैंडफादर उस वक्त पिक्चर में आते हैं जब मरने वाले का फादर ना हो, तो फादर पर जितने रूल्स अप्लाई होते हैं वो पूरे ग्रैंडफादर पर अप्लाई होंगे, लेकिन जैसे ही फादर मौजूद होगा ग्रैंडफादर हाइड हो जाएगा। और ये भी याद रखें कि जब हम बात ग्रैंडफादर की करते हैं तो ट्रू ग्रैंडफादर ही यहाँ पर शेयरर या रेसिडियरी होगा। ट्रू ग्रैंडफादर वो है जिसके और मरने वाले के बीच कोई फीमेल मीडिएट नहीं करती, जैसा कि फादर्स फादर है। यहाँ देखिए बीच में माँ का जिक्र नहीं आया, उस तरह से फादर्स फादर्स फादर है, इसमें भी माँ का जिक्र बीच में नहीं आया, तो ये ट्रू ग्रैंडफादर्स हैं। ये ट्री डायग्राम में देखें राइट पर फादर्स फादर इज ट्रू ग्रैंडफादर, फादर्स फादर्स फादर इज ऑल्सो ट्रू ग्रैंडफादर। लेकिन यहाँ पर देखें फादर्स मदर, अगर हम यहाँ देखें दादी, और फादर्स मदर्स फादर अगर देखें तो ये फास्ट ग्रैंडफादर होगा, चूंकि बीच में मीडिएट करने वाली एक मदर हो गई है, एक लेडी हो गई है, इसीलिए ये फास्ट ग्रैंडफादर कहलाएगा। मैंने लीजेंड यहाँ पर लिखा है ब्लू कलर में, जितने एब्रीविएशन है वो फास्ट ग्रैंडफादर्स हैं, और रेड कलर में जितने एब्रीविएशन है वो ट्रू ग्रैंडफादर्स हैं। ये याद रखें कि फास्ट ग्रैंडफादर्स जो हैं वो शेयरर और रेसिडियरी तो नहीं होते, लेकिन डिस्टेंट किंड्रेड होते हैं, जिन्हें हम जवील अरहाम कहते हैं, और मालिकी फिक में डिस्टेंट किंड्रेड यानी जवील अरहाम वारिसों में शुमार ही नहीं होते। अब देखते हैं स्टेटस ऑफ द ग्रैंडफादर की समरी। पहला केस देखें कि अगर मरने वाले ने कम से कम एक बेटा या एक पोता छोड़ा हो तो ग्रैंडफादर यानी दादा की हैसियत शेयरर की होगी और हक होगा 1/6 ऑफ टोटल एसेट, यानी जुमला मीरास का 6 हिस्सा। सेकेंड केस देखें कि अगर मरने वाले ने कोई बेटा नहीं छोड़ा, ना ही कोई पोता वगैरह छोड़ा, लेकिन बेटी या बेटियां पोतियां पोतियां वगैरह मौजूद हों, तो दादा की हैसियत पहले शेयरर की होगी, वो 1/6 हिस्सा पालेंगे, फिर सेकेंड फेज में वो रेसिडियरी की हैसियत से
बाकी माल पाएंगे। देखें पहले फेज में 1/6 एज शेयरर वो गेन करेंगे, फिर सेकेंड फेज में वो एज रेसिडियरी रेसिड्यू पाएंगे। केस 3 देखें कि मरने वाले ने सरे से कोई औलाद ही नहीं छोड़ी, ना ही कोई पोता पोती वगैरह है, तब दादा की हैसियत रेसिडियरी की होगी और वो रेसिड्यू यानी बाकी माल पाएंगे। केस 4 देखें कि अगर मरने वाले का बाप जिंदा हो तब दादा एक्सक्लूड हो जाएंगे यानी महजूब हो जाएंगे और उनको मीरास का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब देखते हैं ग्रैंड मदर का स्टेटस। याद रखें ग्रैंड फादर तो अंडरस्टूड है कि हम पैटर्नल ग्रैंड फादर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ग्रैंड मदर की बात करते हैं तो मीरास के खवानीन में ये दादी भी हो सकती है और नानी भी हो सकती है। यहाँ देखें, यहाँ पे ये बातें भी याद रखें कि अगर मरने वाले की माँ मौजूद ना हो, नानी हो, तो नानी माँ के इक्विवेलेंट हो जाएगी, नहीं अगर दादी हो तो दादी माँ के इक्विवेलेंट हो जाएगी। अगर माँ की गैर मौजूदगी में दादी और नानी दोनों हो तो माँ का जो हिस्सा होगा वो दादी और नानी में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये बातें जहन में रखते हुए अब देखें स्टेटस ऑफ द ग्रैंड मदर। पहला केस है डिसीज्ड हैज नो चाइल्ड एंड नॉट मोर देन वन ब्रदर और सिस्टर, यानी मरने वाले को सरे से कोई औलाद ही नहीं है और एक भाई या एक बहन से ज्यादा मौजूद नहीं, तब ग्रैंड मदर की हैसियत होगी शेयरर की और वो टोटल मीरास का 1/3 पाएगी। केस 2 देखें कि मरने वाले ने कम अज कम एक चाइल्ड छोड़ा है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, और भाई बहन भी एक से ज्यादा हो, तब ग्रैंड मदर की हैसियत शेयरर की होगी और टोटल मीरास का 1/6 हिस्सा उसको मिलेगा। केस 3 देखें कि मरने वाले ने अपने पीछे बाप छोड़ा और बीवी है और कोई नहीं, तब ग्रैंड मदर की हैसियत शेयरर की होगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में पहले बीवी को टोटल मीरास का 1/4 दे दिया जाएगा और जो रिमेनिंग 3/4 है उसमें ग्रैंड मदर का हक होगा 1/3। केस 4 देखें कि मरने वाली खातून ने अपने पीछे बाप को छोड़ा है और हस्बैंड है और कोई औलाद वगैरह नहीं है, तब ग्रैंड मदर की हैसियत शेयरर की होगी, लेकिन ये शर्त है कि पहले टोटल में से हाफ हस्बैंड को दे दिया जाए और रिमेनिंग हाफ में ग्रैंड मदर का हिस्सा 1/3 निकाला जाए, जैसे यहाँ देखें आप 1/3 × 1/2। केस 5 देखें इफ द मदर ऑफ द डिसीज्ड इज प्रेजेंट, यानी मरने वाले की अगर माँ मौजूद है तो ग्रैंड मदर हाइड हो जाएगी, चाहे वो दादी हो या नानी, उसे कोई हिस्सा मीरास में नहीं मिलेगा। ट्रू ग्रैंड मदर का यहाँ पर डेफिनेशन है जिसे अल जद्दा अल सहिया कहते हैं। ट्रू ग्रैंड मदर यानी वो ग्रैंड मदर है जिसके और मरने वाले के बीच कोई फाल्स ग्रैंड फादर मौजूद ना हो। फाल्स ग्रैंड फादर को मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है। यहाँ देखें हनफी और शाफई फिक में ट्रू ग्रैंड मदर्स को डिस्क्राइब किया गया है। लेफ्ट का ब्रांच देखें मदर्स मदर इज ट्रू ग्रैंड मदर, मदर्स मदर्स मदर इज ट्रू ग्रैंड मदर, मदर्स 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 मदर इज ऑल्सो अ ट्रू ग्रैंड मदर। यहाँ देखें फादर का ब्रांच फादर्स मदर इज ऑल्सो ट्रू ग्रैंड मदर, फादर्स मदर्स मदर इज ऑल्सो ट्रू ग्रैंड मदर, फादर्स मदर्स मदर्स मदर इज ऑल्सो ट्रू ग्रैंड मदर। और यहाँ भी देखें फादर्स फादर्स मदर इज ट्रू ग्रैंड मदर, फादर्स फादर्स मदर मदर इज ट्रू ग्रैंड मदर, और फिर यहाँ भी देख लें फादर्स 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 मदर इज ऑल्सो ट्रू ग्रैंड मदर। ये सारे ट्रू ग्रैंड मदर्स शेयरर्स कहलाते हैं हनफी और शाफई फिक में। चूंकि इंडिया में 96% मुस्लिम्स अहलाफ हैं, हनफी मसलक को फॉलो करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्री डायग्राम बताया अपनी बात को समराइज करने के लिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।